हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। मुहावरे हमने कंप्लीट कर ली, अब लोकोक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। और मुहावरे और लोकोक्तियों में हम ये पार्ट 22 पढ़ रहे हैं। इससे हमने पहले 21 पार्ट और बनाए हैं इस टॉपिक पर, मुहावरे और लोकोक्तियों पर। लेकिन यहाँ से हमारी जो लोकोक्तियाँ शुरू हो रही हैं, तो हम इस पार्ट के अंदर शुरू करने जा रहे हैं और आगे भी इस सीरीज को और बढ़ाएंगे, ताकि जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हो सकती हैं हम सभी को कवर कर सके इस सीरीज के अंदर। तो चलिए टॉपिक शुरू करें। इससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोज, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाके हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप सेव कर लीजिए, 86 86 96 60 85 41, 8696608541। व्हाट्सएप पे आप अपने क्लास और सब्जेक्ट हमारे को लिख के भेज देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर भी नोट्स वगैरह भेज देंगे। तो चलिए हम लोकोक्तियां शुरू करते हैं। पहली लोकोक्ति है, अंधा क्या चाहे दो आंख। भाई अंधा जो व्यक्ति है उसको किस चीज की जरूरत होगी? दो आंखों की, क्योंकि उसको जरूरत ही उसी चीज की है, भाई मेरे दो आंख हो तो मैं सही हो जाऊं। तो अंधा क्या चाहे दो आंख, यानी कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अगर अंधे को दो आंख मिल जाए तो इसका मतलब जिस चीज की उसको इच्छा थी वही चीज उसको मिल गई, तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अंधा क्या चाहे दो आंख, तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अब वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? वर्षों बेरोजगारी भोगने के बाद एक दिन सुनील को सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिल गया, सुनील की मनिच्छा पूर्ण हुई, सच है अंधा क्या चाहे दो आंख। एक बेरोजगार व्यक्ति क्या चाहता है? कि उसके पास एक रोजगार हो, एक नौकरी हो। तो सुनील को जब ये नौकरी का जो पत्र मिला तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि ये इसकी मन की इच्छा थी कि उसको एक नौकरी मिले। तो सुनील के बारे में हम कह सकते हैं कि एक अंधा क्या चाहे दो आंख। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लोकोक्ति है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी जो है उसको दिख नहीं रहा, वो पीसती जा रही है और कुत्ता खाता जा रहा है। मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसकी कमाई वो कमाता रहता है, लेकिन वो चूंकि मूर्ख है इसलिए वो खुद तो यूज करता नहीं है, लेकिन लोग ही उसको यूज कर रहे हैं, जैसे अंधी पीसे और कुत्ता खाए। तो अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। वह कमा तो बहुत रहा है पर इधर उधर के झगड़ों में सारी कमाई वकीलों पर खर्च कर रहा है, सच ही कहा है अंधी पीसे कुत्ता खाए। नेक्स्ट है, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। तो अंधे की लकड़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? एकमात्र सहारा होना। रूपचंद के एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही मतलब उसके एक ही पुत्र था, वो भी मर गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। अगली लोकोक्ति है, अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे। अंधा, सामने वाला व्यक्ति अंधा है फिर भी आप उसके सामने रो रहे हैं, तो वो तो अंधा है ही, लेकिन रोने की वजह से आपकी भी आंखें धीरे धीरे खराब होती जाएंगी। तो अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे, अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम करना। जो खुद अपात्र है
जो खुद कुछ नहीं कर रहा, अगर आप उससे मदद मांगने की सोच रहे हैं या फिर उससे मदद मांग रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? व्यर्थ के अंदर परिश्रम कर रहे हैं। सुनील की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है और तुम उसी से बार बार उधार मांगने जाते हो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। सत्य है अंधे के आगे रोवे, अपने भी नैने खोवे। सुनील पहले से ही खुद के पास, उसके पास पैसे नहीं है, अब तुम उसके पास पैसे मांगने जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? अंधे के आगे रोवे, अपने भी नैने खोवे, यानी कि व्यर्थ के अंदर तुम ये परिश्रम कर रहे हो। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ होता है बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भिखारी के कटोरे में कोई लॉटरी का टिकट डाल गया और भिखारी के लॉटरी खुल गई, यह तो वही हुआ कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना। आगे बढ़ते हैं, अगली लोकोक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कुप्रशासन और अजागरूक जनता। कुप्रशासन यानी कि जो प्रशासन है वो भी खराब है और जो जनता है वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो अंधेर नगरी और चौपट राजा, नगरी भी अंधेरे में है और जो राजा है वो भी चौपट है, दोनों ही खराब है, कुप्रशासन और अजागरूक जनता। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सब जगह भ्रष्टाचार है, अक्रमणीयता है और न कोई इसे देखने वाला है, न कोई इसके विरुद्ध आवाज उठाता है, यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है, मतलब प्रशासन भी खराब है और जो जनता जो है वो भी जागरूक नहीं है। नेक्स्ट लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ होता है अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अज्ञानी व्यक्ति का अगर पूरा झुंड है, पूरी भीड़ है, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो इसका मतलब आप क्या है? बुद्धिमान माने जाएंगे, क्योंकि आप उनकी तुलना के अंदर तो बुद्धिमान है ही। तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अनपढ़ गांव वालों के बीच पटवारी ही परम विद्यमान माना जाता है, सच है अंधों में काना राजा होता है। गांव के जो लोग हैं वो अनपढ़ होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पटवारी तो पता नहीं कौन सा बड़ा पद है, लेकिन वास्तविकता के अंदर अगर आप देखेंगे तो पटवारी जो है वो सबसे लोअर पोस्ट होता है उनकी जो सीरीज होती है उसके अंदर, लेकिन गांव वालों की नजर के अंदर वो बहुत बड़ा परम विद्वान होता है। नेक्स्ट है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? समूह कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। समूह कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? हमारी इस भ्रष्ट कठिन व्यवस्था को सब मिलकर ही बदल सकते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले इसे बदल सकते हो, संभव नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। नेक्स्ट है, अकल बड़ी की भैंस। अकल बड़ी की भैंस लोकोक्ति का अर्थ होता है शारीरिक बल से बौद्धिक बल जो होता है वो अधिक अच्छा होता है, अधिक बलवान होता है। शारीरिक बल से मतलब अगर मैं शरीर से रिष्ट पुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल बलवान हूँ, उससे अच्छा है मैं दिमाग से तेज हूँ, तो वो जो दिमाग से तेज है वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि शारीरिक बल के। तो अकल बड़ी की भैंस, भैंस से बड़ी क्या है? अकल होती है। तो शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। किसानों के अत्यधिक परिश्रम करने पर भी पहले अनाज कम पैदा होता था, किंतु जब से प्रशिक्षित युवक कृषि में क्षेत्र में आए हैं तब से कृषि उत्पादन दुगना हो गया है, सच ही कहा है कि अकल बड़े की भैंस।
आप कृषि के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, बीज उस हिसाब से लाएंगे, उनके अंदर आप जो दवाइयां हैं वो अगर टाइम से देंगे तो उत्पादन ज़्यादा हो सकता है बजाय कि ज़्यादा मेहनत करने के। तो अकल बड़ी की भैंस, तो मेहनत से ज़्यादा बड़ा कौन हो गया? दिमाग। बुद्धि जो होती है वो अधिक बड़ी होती है। अटका बनिया दे उधार, अटका बनिया दे उधार। लोकोक्ति का अर्थ होता है स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वो अनचाहा कार्य भी करता है। स्वार्थी व्यक्ति या फिर मजबूर व्यक्ति, उसकी मजबूरी है, उसको करना ही पड़ेगा। तो स्वार्थी व्यक्ति या फिर मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अटका बनिया दे उधार। वाक्य क्या लिख सकते हैं? कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल हो जाने के कारण कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगुनी तुगुनी मजदूरी पर रख रहा है। क्या करे? अटका बनिया दे उधार। कारखाने के अंदर हड़ताल चल रही है, उसका कार्य बिल्कुल ठप पड़ा है। अब इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर है, उस वजह से वो जो अकुशल जो श्रमिक थे जिनको थोड़ा काम कम आता था, जो बिल्कुल मजदूरी करते थे, उनकी भी सैलरी उसको दिगुनी तिगुनी करनी पड़ गई। क्या करे? अटका बनिया दे उधार। यानी कि स्वार्थी या फिर मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अधजल नगरी अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ होता है अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में डींग हाँकता है। जो अल्प सामर्थ्य व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर जो सामर्थ्य कम होता है, वो जबरदस्ती अपने बारे में डींग हाँकता है कि मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर दिया। तो अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में डींग हाँकता है। गरीबी भोगने के बाद सोहन के पास थोड़ी बहुत संपत्ति क्या इकट्ठी हो गई कि बात बात में पैसे का दिखावा करता रहता है? सची का है अधजल गगरी छलकत जाए। उसके बाद थोड़ी बहुत संपत्ति है फिर भी उसका दिखावा करता रहता है, क्योंकि जो अल्प सामर्थ्य व्यक्ति जो होता है वो अपनी सामर्थ्य का जबरदस्ती ये कहना चाहता है कि मैं ज़्यादा सामर्थ्य हूँ। सब जानते हैं कि वो अल्प सामर्थ्य है, फिर भी वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा सामर्थ्य हूँ। नेक्स्ट, अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष? अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष? अगर अपना सोना, जो अपने पास सोना है, गोल्ड जो है, वही अगर खोटा है तो उसको जो परखने वाला व्यक्ति है उसका क्या दोष है? तो अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष? हम में ही कमजोरी हो तो बताने वाले का क्या दोष? अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर ये कमजोरी है, तो उसके अंदर मेरा कोई दोष थोड़ी है, वो आपका दोष है जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई तेरे अंदर ये कमी है। तो अपना सोना अगर खोटा है तो परखैया का क्या दोष? हम में ही कमजोरी है तो बताने वाले का क्या दोष? वाक्य क्या लिख सकते हैं? अजय का लड़का ही जब आगे बढ़कर खुद शराब पीता है और पड़ोसी ताना मारे तो अजय क्या जवाब दे? जब अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष? नेक्स्ट, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ होता है स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त होता है। खुद का काम खुद ही कर ले तो ये सबसे बढ़िया चीज होती है। तो अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। नौकर से सब्जी मंगाते थे, सड़ी गली खरीद लाता था, अब खुद जाता हूँ तो ताजी और सस्ती ले आता हूँ, दूसरों के भरोसे भी काम होता है क्या? अपना हाथ जगन्नाथ है। यानी कि खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ होता है अपना कार्य ही फलदायक होता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो
अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, अपना कार्य ही फलदायक होता है। राधा ने अपने पति की मृत्यु के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरों से सहायता मांगी, किंतु मदद न मिलने पर उसने स्वयं ही घरों में काम करके परिवार की जिम्मेदारी उठाई। सच्ची कहे अपनी करनी पार उतरनी। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है, मान लो पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वो दूसरों से लेकर कितने दिन तक काम चला सकता है, अंतपंत उसको खुद का कार्य करना ही पड़ेगा। तो अपनी करनी पार उतरनी यानी कि अपना कार्य ही फलदायक होता है। नेक्स्ट है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है लोकोक्ति का अर्थ है अपने घर में या क्षेत्र में तो सब जोर बताते हैं। अपना घर है या फिर अपना जो क्षेत्र है उसके अंदर तो सभी अपना बल लगाते हैं या अपना जोर बताते हैं। हमारी क्रिकेट टीम की ताकत का पता तो तब चलेगा जब वह दूसरों के देशों की टीमों से भिड़ेगी। हमारे खिलाड़ी देश में तो नाम कमा रहे हैं, पर उससे क्या, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। जो हमारे क्रिकेटर हैं वो अपनी कंट्री के अंदर, बाकी अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन असली बात तो तब होगी ना जब विदेश में जा रहे हैं, विदेशी टीमों से खेल रहे हैं और तब जीत रहे हैं, तब जाकर ऐसा होगा, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। नेक्स्ट है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। अब मेरे पास ढपली है और जो गाने वाला है वो अपना राग गा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे। जिसके पास ढपली है वो अपने हिसाब से बजा रहा है, जो राग जो गाने वाला है वो अपने हिसाब से गा रहा है। तो यानी कि अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रखना। वाकई क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता की तरफ अब कोई नेता ध्यान नहीं देता, प्रादेशिक नेता राष्ट्र को भूलकर अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। जो प्रदेश के नेता जो लोकल नेता है वो अपने अपने क्षेत्र की बातें करते हैं, देश की कोई बातें नहीं करता है, यानी कि वो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग गाते रहते हैं। नेक्स्ट है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या मतलब है, जब चिड़िया जो है वो खेत को बिल्कुल चुग गई है, उसके अंदर जितने भी हमने दाने डाले थे उनको वो निकाल कर ले गई है, तो हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, हानि हो चुकी है। अगर आप उस पर अब पश्चाताप करेंगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए था मुझे, तो उससे अब कोई मतलब नहीं है, वो कार्य दोबारा से सही नहीं हो सकता है, हानि जो है वो होनी थी वो हो चुकी है। सुरेश ने परीक्षा के पहले तो मेहनत की नहीं और अब असफल हो जाने पर रो रहा है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप एग्जाम से पहले तो पढ़े नहीं, अब एग्जाम में जब फेल हो गए तो अब आप पछता रहे हो कि अगर मैं उस टाइम पढ़ लेता तो पास हो जाता, लेकिन अब क्या मतलब है, फेल तो हो चुके। तो इस प्रकार से अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अरहर की टड्डी और गुजराती ताला। अरहर की टड्डी और गुजराती ताला लोकोक्ति का अर्थ होता है अन्य मेल प्रबंध व्यवस्था, जिनके अंदर कोई मेल नहीं है ऐसी कोई व्यवस्था। घर में रखने को ढंग का फर्नीचर नहीं और 5,000 रुपए किराए का मकान ले लिया, यह तो वही हुआ कि अरहर की टड्डी और गुजराती ताला। नेक्स्ट है, आधी छोड़ एक को ध्यावे आधी मिले न सारी जावे। आपके पास आधी है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक को अगर आप ध्यान में रखकर काम कर रहे हो तो जो आधी है वो भी आपको नहीं मिली और जो आप जिसकी जिसके बारे में सोच रहे थे वो भी आपको नहीं मिली। तो लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। आपके पास जो आधी व्यक्ति थी, आधी वस्तु जो थी, वो पूरी वस्तु लेने के चक्कर में वो भी आपके हाथ से चली गई है, यानी कि लोभ में सहज रूप से आसानी से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। नरेश ने
आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, किंतु आईसीएस की तैयारी के चक्कर में आरएएस में भी जाने का अवसर भी खो दिया। नरेश का आईसीएस में भी चयन नहीं हो सका। इसे ही कहते हैं आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले ना सारी जावे। आरएएस